आज मैं जो है मात्रक और मापन का छठवां और सातवां क्वेश्चन अपने इस वीडियो में बताने आपको जा रहा हूँ। छठवां क्वेश्चन जो है, लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है, इसका हमें आकलन करना है। ठीक है, इसके करने के लिए हम जो भी यंत्र दिया गया है उस यंत्र का अल्पतमांक ज्ञात करते हैं, और जिस यंत्र का अल्पतमांक सबसे न्यूनतम होता है वही मापक यंत्र जो है, वही जो है प्रकाशिक यंत्र क्या होगा, सबसे प्रसिद्ध होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार के हैं। नंबर इस्तेमाल यह है, एक वर्नियर कैलिपर जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है, एक स्क्रू ग्रेज जिसका चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। ठीक, और जो है तीसरा है, कोई प्रकाशी केंद्र जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। इन तीनों को हमें ज्ञात करना है कि तीनों में से तीनों यंत्र जो है सबसे प्रसिद्ध यंत्र कौन सा है। तो सबसे प्रसिद्ध यंत्र ज्ञात करने के लिए इन सभी यंत्रों का जो है हम अल्पतमांक ज्ञात करेंगे, और जिसका अल्पतमांक सबसे कम होगा वही क्या होगा, सबसे प्रसिद्ध जो है मापक यंत्र होगा। सर्वप्रथम है वर्नियर, तो वर्नियर का निकालेंगे। नंबर एक है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर हो जाएगा, 0. तो कितना होता है, एक खाने का मान और 1 मिलीमीटर, और वर्नियर पर कानों की संख्या है 50। ठीक, इसमें होता है 1/20 मिलीमीटर, 50 में 20 है, 20 होगा, वर्नियर 20 खाने होते हैं, 1/20 यहां होगा, 1/20 मिलीमीटर, और जिसमें हमें 1/20 से भाग देंगे तो आएगा 0.05 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.005 सेंटीमीटर, यानी वर्नियर का जो अल्पतमांक कितना हो गया 0.005 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जो है स्क्रू गेज का अल्पतमांक निकालेंगे, चूड़ी अंतराल, फिर जो है गोल पैमाने पर खानों की संख्या। इस प्रकार स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल, यानी एक चूड़ियों के बीच की दूरी, यानी 1 मिलीमीटर, बटे खानों की, यानी बर्नियर में जो होता है, तो स्क्रू गेज में जो होता है गोलीय पैमाना होता है, तो गोल पैमानों पर खानों की संख्या, यानी गोल पैमानों पर जो है खानों की संख्या निकालेंगे। गोलीय पैमाने पर खानों की संख्या, जो स्क्रू गेज होता है उसमें जो है गोलीय पैमाना होता है, ऐसे स्क्रू गेज। ठीक है,
गोलीय पैमानों पर खाने की संख्या कितनी होती है? 100। यानी तब कितना होगा? एक सूर्य अंतराल होता है एक मिली एक और एक बटे 100 मिलीमीटर हो जाएगा, तो भाग ठीक है एक बटे 100 यानी एक बटे 100 मिलीमीटर, या इसी को हम लिखेंगे 0.01 mm, या सेंटीमीटर में होगा 0.01 cm। ये शूगेज का अल्पतमांक हो गया। तीसरा आपका है प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक बराबर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक बराबर क्या होगा? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 5000 angstrom। कितना होता है? 5000 angstrom। लिखेंगे प्रकाशिक क्या है? प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक बराबर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 5000 angstrom, अर्थात 5000 × 10⁻¹⁰ m। ये होगा 5 × 10³ और 10⁻¹⁰ mm, जो कि आएगा 5 × 10⁻¹⁷ mm। मीटर है, मिलीमीटर नहीं, सेंटीमीटर है। कितना आया? मीटर। इसको सेंटीमीटर में हम चेंज कर रहे हैं, जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻¹⁵ cm, जिसे हम लिखेंगे इस तरह से 0.01234 cm। अब आप देख रहे हैं बर्नियर स्क्रू गेज और जो है प्रकाशिक यंत्र में तो सबसे छोटा अल्प सबसे कम अल्पतमांक कितना है? प्रकाशिक यंत्र का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाशिक यंत्र जो है सबसे परिशुद्ध है। प्रकाशिक यंत्र क्या है? सबसे परिशुद्ध है। कारण क्या है? क्योंकि प्रकाशिक यंत्र का जो अल्पतमांक है वो बहुत ही क्या है? कम है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2.6। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2.7 जो है ये भी आप देखेंगे। 2.7 का मतलब होता है कि दूसरे अध्याय का सातवां क्वेश्चन, यानी सातवां प्रश्न, यानी दूसरे अध्याय का सातवां प्रश्न आपका है 2.7। इसमें क्या कहता है आप देखेंगे, कोई छात्र है सौ आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। वह 20 बार परीक्षण करता है और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 mm है। बाल की मोटाई का अनुमान ज्ञात कीजिए। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का वास्तविक आकार। तो बाल की वास्तविक मोटाई कितनी हो जाएगी? सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापित मोटाई बटे आवर्धन। बाल की वास्तविक मोटाई कितना होगा? सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापित मोटाई बटे आवर्धन। बाल की क्या निकालना है? बाल की मोटाई, बाल की मापित मोटाई, बाल की मोटाई बराबर होगा सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापित, सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापित मोटाई, मापित मोटाई बटे आवर्धन। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापित मोटाई कितना दिया गया है? 3.5 mm। कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया गया है 3.5 mm और आवर्धन दिया गया है 100। तो कितना होगा बताए? 3.5 / 100।
एंड 3.5 डिवाइडेड बाई 100, जो 3.5 में 100 से डिवीजन देंगे तो आपको आएगा 0.035। क्या होगा इसकी वैल्यू? 0.035 मिलीमीटर जो है इसकी जो है बाल की मोटाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है।